जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और आज मैं जो विषय लेकर के आया हूँ वो विषय है कि हम कैसे किस तरह से पहचाने कि जो साधना विधि दी गई है अप्सरा की या यक्षिणी की या फिर किसी और देव की भी, तो वो हम कैसे पहचानेंगे कि ये साधना तांत्रिक विधि की है या घोर पद्धति की है या फिर वैदिक है, सात्विक है। और किसी ने मुझसे पूछा भी था, तो इसलिए मुझे इस पे वीडियो बनाने का मेरा मन आया। तो मैं सभी के सामने ये रहस्य बताऊंगा। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरी देखें, स्किप ना करें। अगर आप स्किप कर देंगे तो फिर आपको कुछ पता भी नहीं लग पाएगा कि हमने क्या बता दिया, और फिर आप कमेंट में पूछते रहोगे या फिर व्हाट्सएप पे ही पूछते रहोगे। तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर किसी साधना विधि में इस्तेमाल, दोनों में यंत्र का भी होगा, माला का भी होगा, अगर किसी साधना विधि में ये कहा गया है कि आप जंगल में जाकर या वन में जाकर स्नान करें, फिर किसी कपड़े को हाथ ना लगाएं और जैसे नग्न अवस्था में ही आप बैठ जाएं, वहाँ पर 5-7 दीपक जलाएं या फिर थोड़ा शराब लेकर के बैठें, शराब चढ़ाएं और इस अप्सरा मंत्र का जाप करें या इस परी मंत्र का जाप करें, तो ये सब तांत्रिक और अघोर पद्धति है। जहाँ पर भी इस तरीके से वर्णन आए तो फिर सावधान हो जाएं, वहाँ आपके लिए खतरा है। वो साधना का तरीका, वो खतरे की घंटी है कि अगर आप इस तरीके से साधना करते हो तो फिर वहाँ पर आपके लिए सुरक्षा घेरा भी लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पहले से किसी बड़ी शक्ति की साधना आपने नहीं की है तो फिर आप ज़रूर फंस जाएंगे विपत्ति में, या फिर आपके गुरु नहीं है। देखिए होता क्या है कि अगर आप सात्विक विधि से, वैदिक विधि से अप्सरा की साधना करते हैं तो फिर आपके अगर गुरु भी नहीं है तो आप शिव को गुरु मान करके आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अघोर पद्धति से या तांत्रिक पद्धति से करते हैं तो फिर आपको जरूरी है कि आपके गुरु हों जरूर, जो कि आपका मार्गदर्शन करें, और साथ में ही किसी महाशक्ति की भी कृपा प्राप्त होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है या ऐसा आपके पास नहीं है, गुरु भी नहीं है, किसी महाविद्या की कृपा प्राप्ति भी नहीं है आपको, तो फिर आप वो साधनाएं बिल्कुल भी ना करें, वरना आप फंसेंगे ही फंसेंगे, निश्चित है, 100% है। तो इसलिए इस विषय पर मैंने थोड़ा सा प्रकाश डाला है। और जो वैदिक साधनाएं होती हैं उनमें क्या होता है कि अगर आप एक बार गलती कर भी देते हो ना, या साधना बीच में छूट जाती है, पूर्ण नहीं हो पाती है, तो फिर आपको किसी प्रकार की दिक्कत भी नहीं होगी अप्सरा साधना में। और अगर आप तांत्रिक पद्धति से करते हो या फिर अघोर पद्धति से करते हो या वामाचार में चले जाते हो तो फिर वहां पर आपके लिए माफी की गुंजाइश नहीं है। वहां पर तो फिर आपके लिए जो भी दंड निर्धारित है ना, वो होगा ही होगा, मिलेगा ही मिलेगा वो। अब उस स्थिति में अगर आपके गुरु हैं तो शायद आपको बचा लें, या फिर आपके पास कोई दूसरी जो बड़ी शक्तियां हैं, जैसे कि भैरव हुए, हनुमान जी हुए, या फिर 10 महाविद्याएं हुई, भगवान से हुए, तो वो अगर उनकी साधना आपने की है,
उनकी कृपा प्राप्ति है आपके लिए, तो फिर आपको वो बचा सकते हैं। लेकिन अगर दोनों ही नहीं है तो फिर कोई भी नहीं बचा सकता तुम्हें। तो इसलिए दूसरी पद्धतियों से ना करके अप्सरा साधना को हमेशा सात्विक पद्धति से ही करें। अगर आप के गुरु भी नहीं हैं तो शिव को गुरु मान करके कर सकते हैं, और अगर गुरु हैं तो बहुत अच्छा है, और गुरु मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। और अगर आपकी साधना कहीं पे विफल भी हो जाती है, बीच में छूट भी जाती है, तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, ना आपको कोई व्यापारिक दिक्कत होगी, ना घर परिवार में कोई दिक्कत होगी, मतलब कि आप उसी तरीके से आप रह सकते हैं, और कृपा प्राप्ति तो आपके ऊपर तब भी रहेगी। तो इसलिए इसमें थोड़ा सा भेद था तो वो मैंने बता दिया है। और मुझसे ये किसी ने पूछा था इसलिए मैंने इस पर वीडियो बनाया। और अब मैं आपको बताना भी चाहता हूँ कि अगर किसी को अष्टलक्ष्मी साधना करनी है तो मैंने साधना विधि डाली भी है, वो कर सकते हैं। वो आप के गुरु हैं तब भी कर सकते हैं, गुरु नहीं हैं तब भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें लक्ष्मी साधना करने में। और भगवान विष्णु की साधना करने में भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी भगवान विष्णु की साधना भी कर सकते हैं। तो अगर किसी को भी जो सामग्री है साधना सामग्री की अगर ज़रूरत है तो प्राण प्रतिष्ठित सामग्री माला और यंत्र हमारे यहाँ से प्रोवाइड हो जाएंगे। उसके लिए नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, लेकिन केवल साधना सामग्री के लिए ही व्हाट्सएप करें। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं या फिर कुछ और बातें करना चाहते हैं तो फिर आप टेलीग्राम लिंक में ज्वाइन हो जाएं, और वहां से ग्रुप में या फिर वहां से मुझे डायरेक्टली आप प्राइवेट मैसेज कर सकते हैं, तो वहां से आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन जो भी सामग्री के लिए मुझे व्हाट्सएप करें वो सिर्फ सामग्री के लिए ही करें, मतलब कि वहाँ पर ज़्यादा मुझसे बातचीत नहीं हो पाएगी, तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ। जिनको सामग्री चाहिए वो ले सकते हैं, उनके पास कोरियर के थ्रू पहुँच जाएगी सामग्री। तो इसी तरह से मैंने आप ये वीडियो बनाया है। मैं समझता हूँ कि इसमें सब कुछ आपकी जो भी प्रॉब्लम थी सॉल्व हो गई होगी। और इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं, और जिन भाइयों को वीडियो अच्छी लगी है वो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में ही मेरे बोले बोलिए वीर बजरंग बली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।